अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला साथियों, JSSC ने झारखंड सहायक आचार 1-5 और झारखंड सहायक आचार 6-8 दोनों ही के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया है। ये नोटिस जारी किया है दिनांक 18/7/2024 को। इसमें कहा किया गया है, आपने जो एग्ज़ाम दिया है 1-5 के लिए 11/7/2024 को जो परीक्षा आयोजित की गई थी, और 6/8/2024 और 1 और 6/8 पत्र वन की परीक्षा जो 23/6/2024 से 29/6/2024 तक 29/7/2024 तक जो आयोजित की गई थी, इससे संबंधित इससे रिगार्डिंग ये आवश्यक सूचना है, इम्पोर्टेंट नोटिस है। इस नोटिस में कहा किया गया है कि जो एग्ज़ाम JSSC ने कंडक्ट कराया गया है इस डेट में 1-5 और 6-8 का, उसका उत्तर की यानी आंसर की वेबसाइट में जारी कर दिया गया है, और ये जारी 19/7/2024 से 23/7/2024 तक ऑनलाइन आप क्या कर सकते हैं, आपत्ति उसमें दर्ज कर सकते हैं। उसमें जो क्वेश्चंस का आंसर आपने दिया है या जो JSSC ने आंसर दिया है उस पर आप चैलेंज कर सकते हैं। JSSC ने जो आंसर उसमें करेक्ट आंसर रखा है उसमें अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जा करके आप चैलेंज कर सकते हैं। और ये चैलेंज करने का जो मौका और अवसर JSSC ने दिया है वो सिर्फ 29 तारीख तक दिया है, और एक ही बार आप ये कर सकते हैं, एक अवसर दिया जाएगा, सिर्फ एक अवसर दिया जाएगा, एक ही मौका दिया जाएगा। आप उस मौके में क्या कर सकते हैं, JSSC ने जो आंसर की जारी किया है उस पर आप चैलेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है, 1-5 और 6-8 का जो भी सहायक आचार्य का कैंडिडेट है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है। अगर बाद में आप वो चैलेंज करते हैं तो वो चैलेंज आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर किसी को लगता है कि आंसर की में कुछ गड़बड़ है या रॉन्ग आंसर की है और आपको लगता है कि चैलेंज करना चाहिए, तो आप JSSC का वेबसाइट जाकर के वहाँ पे आप चैलेंज कर सकते हैं। jssc.nic.in में जाकर के आप वहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जरा देख लेते हैं कि किस तरह से वहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। आपको टाइप करना होगा JSSC टाइप करने के बाद आप जो मेन वेबसाइट है वहां पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे आपको लिंक दिखेगा, वी ऑल में क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे जो भी लिंक दिया है इसके लिए इससे संबंधित लिंक उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए लिंक टू व्यू एंड सबमिट ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन ऑन टेंटेटिव आंसर की, इसमें क्लिक करते हैं। तो यहाँ क्लिक करने के बाद एक दूसरा लिंक आता है, वहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ओके कीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉग इन ग्रेजुएशन पेपर 3 पेपर 4 और फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पे वो ऑप्शन मुझे नहीं दे रहा क्योंकि इससे पहले मैं उसको अपलोड कर चुका हूँ, आंसर की जो है वो डाउनलोड कर चुका हूँ। अगर आप इसको लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आएगा आंसर की चैलेंज करने के लिए, जहाँ आप क्या कर सकते हैं, आंसर की चैलेंज कर सकते हैं। इधर ही एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे आप जाके उसको जो आंसर की JSSC ने जारी किया है उसको आप अपलोड भी कर सकते हैं, और चैलेंज करने का ऑप्शन भी दिया है और आप वहाँ जाकर चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।